हेलो छात्रों, UPSC SS कंप्यूटर वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पेज लेआउट के बारे में जाना था, जिसमें आपने पेज लेआउट में पेज को सेट करना, मार्जिन को सेट करना, ओरिएंटेशन व प्रिंट एरिया ब्रेक, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में दी गई थी। आज के वीडियो में आपको फार्मूला टाइप के बारे में बताया जाएगा। फार्मूला टाइप में आपके फंक्शन एंड फार्मूले जो होते हैं, इनका वीडियो हम स्पेशल बताएंगे, क्योंकि इसका वीडियो है बहुत बड़ा आपका बनेगा। तो ये फंक्शन फार्मूले आपको आगे बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको नेम मैनेजर से कैलकुलेट सीट तक जितने भी ऑप्शन हैं आपके, आज के वीडियो में सारे ऑप्शन क्लियर कराए जाएंगे। इसके साथ साथ छात्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस E14 है, और यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस F3 है, इधर क्लिक किया तो इसका एड्रेस है E9। इसी प्रकार प्रत्येक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। हम चाहते हैं कि एक पूरी रेंज का एक नाम दे दिया जाए, इंग्लिश रेंज का नाम पूरा दे दिया जाए, मैथ रेंज का नाम दे दिया जाए, तो ये आप कैसे सेट करेंगे? तो जैसे कि छात्रों, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे इक्वल टू सम, और हमने ये रेंज हिंदी की ले लिया और इसको हमने कैलकुलेट किया तो आपका कैलकुलेशन आ चुका है। इसी प्रकार हमने इसमें फार्मूला लगा के आपके रेंज को सिलेक्ट किया था। हम रेंज का एक नाम सेट करना है, हमको नाम सेट कर दें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और हम डिफाइन नेम में जाएंगे। डिफाइन नेम में जाके यहाँ पर जिस नेम से आपको रखना है, माना हिंदी, तो हिंदी ही हमने लिख दिया। और यहाँ पर जो भी सीट है आपका, जो भी एरिया है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। जैसे तो यहाँ पे आपका ये रेंज जो है सेलेक्ट हुआ। अभी तक हमने सम किया था तो हमने रेंज लिखी थी, अब यहाँ पर इक्वल टू सम और हम हिंदी लिख देंगे अगर जो, तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए छात्रों, ये आपका हिंदी लिखने से हमने इस पूरी रेंज का नाम हिंदी रख दिया है। इसी प्रकार आपको इस रेंज का नाम रखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे और यहाँ से इंग्लिश नाम रख देंगे, ओके करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम हमने मैथ रख दिया। तो इस प्रकार से आप मैथ की रेंज की आपको कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू सम और हमने लिख दिया मैथ, और आपका मैथ का कैलकुलेशन आ चुका है। तो आपको रेंज का नाम रखना पता हो चुका होगा, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। नेम मैनेजर, नेम मैनेजर में जो जो हमने डिफाइन किया है नेम, वो आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं। यदि हमको एडिट करना है, इसमें इंग्लिश रेंज की जगह कुछ और करना है, तो एडिट में गए और यहाँ पे हम रेंज बदल सकते हैं, नेम बदल सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर आर्ट की रेंज लेना है तो आर्ट हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर हमने आर्ट लिख दिया, और यहाँ पे हम रेंज जो है आर्ट की यहाँ लेके ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी आर्ट की रेंज एडिट हो गई, इंग्लिश की रेंज हट गई। यदि हमको हटाना है इनको, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो सारी रेंज हट चुकी हैं। अब यहाँ पे हम अगर जो वो नाम लिखेंगे तो आपका नहीं आएगा। तो इस प्रकार से छात्रों रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज का नाम रख सकते हैं और हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा छात्रों, आगे छात्रों यूज फार्मूला। यूज फार्मूला अर्थात हमें फार्मूले में यूज करना है कोई नाम। जैसे हमने सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया, हिंदी के नाम से डिफाइन कर लिया। अब यहाँ से इसको फार्मूले में देखिए, फार्मूला ऑप्शन आपका शो करने लगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी का जो है वो सिलेक्शन में आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका यूज जो फार्मूला करना है, वो इसमें जितने भी नाम डिफाइन होंगे वो सब यहाँ पर शो करेंगे। आगे देखिएगा छात्रों, अब हमें क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन क्या है। अभी तक तो हमने एक एक करके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का नेम जो है डिफाइन किया था। अब हम चाहते हैं कि नेम जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एससी, आर्ट, टोटल, ये सब एक साथ पूरा डिफाइन हो जाए। तो एक साथ आपको पूरी सीट डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम से पूरी सीट आपके टेबल जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाना है और आपको देखना है, बताएगा कि आप राम, श्याम, दिनेश, महेश, सुरेश के
नाम से रखना चाहते हैं तो इधर का आपका मतलब ये रेंज आपकी सिलेक्ट होगी, और यदि आप हिंदी इंग्लिश मैथ के हिसाब से चाहते हैं तो आपका कॉलम में आपका सिलेक्ट होगा। तो हमें टॉप रो चाहिए, तो हमने रो ले लिया और यहाँ पर ओके जैसे किया हमने, ध्यान देना, तो ये आपका नेम मैनेजर में चेक करेंगे तो सारी आपकी आर्ट इंग्लिश हिंदी मैथ नेम परसेंटेज एसटी सारा आपका रेंज आ चुका है। यदि हमें यहाँ पर यूज करना फार्मूला तो देखेंगे, तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे आर्ट पे तो आर्ट रेंज आ जाएगी आर्ट की, हमें आर्ट नहीं हमको यूज करना है हिंदी या मैथ या परसेंटेज, तो परसेंटेज की रेंज आ जाएगी। इस प्रकार से हर पूरी सीट जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। इनका पूरा डिटेल आपको देखना है तो आप नेम मैनेजर में जाइएगा और यहाँ से सारी डिटेल आप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहिए तो सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, सारी रेंज यहाँ से हट चुकी हैं। अब हम चाहते हैं कि नेम वाइज जो है रेंज सेलेक्ट हो, तो इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में और यहाँ टॉप रो की जगह हमने कॉलम लगा लिया और ओके किया, तो आपका यहाँ पर देखिएगा नेम मैनेजर में तो आपका जो है दिनेश महेश मनोज नेम के रूप में आ चुका है। यदि अब हम रेंज को देखेंगे तो इक्वल टू, और यहाँ पे हमें राम लिखना है मान लो, तो राम की लाइन पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। हमको अगर जो दिनेश की लाइन देखना है तो दिनेश की पूरी लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार छात्रों आपको नेम डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, यूज फार्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट और रिमो एरो, ये क्या होते हैं। तो देखिएगा छात्रों, ट्रेस प्रेसिडेंट हमने यहाँ पर टोटल किया है, और टोटल जब किया है तो इसमें से आपका हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एसटी आर्ट आर्ट यहाँ तक का टोटल आपका टोटल वाले कॉलम में दिख रहा है, और आपको देखना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ का टोटल है। तो हम ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका बताएगा इस पूरी लाइन में कि आपका टोटल यहाँ यहाँ है। माना कि यदि हम टोटल को उठा के यहाँ रख देते हैं तो आपका अब देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ टोटल है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट जैसे करेंगे तो ये यहाँ से लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो छात्रों ट्रेस प्रेसिडेंट के बाद आपका ट्रेस डिपेंडेंट आती है, रिमो एरो करते हैं हम यहाँ से और इसको अपनी जगह पर यहाँ सेट कर देते हैं। हमें किसी भी यहाँ पर क्लिक करना है और डिपेंड ये सेल जो है ये किस पे डिपेंड है, मतलब इसका कैलकुलेशन जो है किससे रिलेटेड है, तो डिपेंड पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ये जो आपकी टोटल सेल है 517 यहाँ से आपका डिपेंड है। इसको हम हटा के अगर जो कहीं और भी रख देंगे तब हम फिर से अगर जो करना चाहेंगे यहाँ से हम डिपेंड करेंगे तो ये आपके डिपेंड नहीं है, ये तो कैलकुलेट हुई है। तो यहाँ पर हम ट्रेस डिपेंड करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट ये यहाँ से देखो रिलेटेड बता रही है, और यदि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये एरो आपका डिपेंड यहाँ से बताएगा कि ये आपकी सेल यहाँ से डिपेंड है, ये सेल कहाँ से डिपेंड है देखना चाहते हो तो ये सेल आपकी यहाँ से वहीं से डिपेंड है, ये सेल देखो कहाँ से जुड़ी है, तो जो सेल जहाँ से जुड़ी है आपका कैलकुलेट वहाँ से पूरा बता रहा है। और रिमो एरो करेंगे तो रिमो सारे एरो हो जाएंगे। तो छात्रों कौन सी सेल कहाँ से डिपेंड है वो एरो के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो इसमें भी आपका छात्रों क्लियर हो चुका है ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंड और रिमो एरो। इसको एक बार हम और क्लियर करा रहे हैं आपका, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर लिखा 60 और यहाँ पर लिखा हमने 50 और यहाँ पर हमने लिख दिया 80। अब इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ना है हमको, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और प्लस लिखा, यहाँ पर क्लिक किया और प्लस किया, यहाँ पर क्लिक किया और प्लस किया। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं तो जो कैलकुलेशन इससे रिलेटेड है वो यहाँ पर आपका एरो दिखा रहा है। इसी प्रकार इसको रिमूव करते हैं और हम चाहते हैं कि 50 जो है इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है तो ट्रेस प्रेसिडेंट, तो बताएगा 50 जो है 50 का कैलकुलेशन इसमें ऐड है। तो इस प्रकार से ट्रेस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। अब छात्रों आपका फार्मूला सो फार्मूला, इस पर हम जब क्लिक करेंगे सो फार्मूला पे तो यहाँ पर देखिएगा पूरी सीट जो है थोड़ा बड़ी हो चुकी है, और जहाँ हमने फार्मूले लगाए हैं वहाँ पर फार्मूले आपके शो कर रहे हैं, यहाँ पर सारे फार्मूले आपके शो करने लगे हैं। और सो फार्मूला पर हम टिक हटाएंगे तो फार्मूला हट जाएंगे। तो आपको फार्मूला देखना है अगर जो किसी भी सेल का, तो सो फार्मूला पर क्लिक करेंगे और फार्मूला आपका आ जाएगा।
फिर यहाँ वापस लाना है तो सो फार्मूला पर क्लिक करेंगे, फिर हम वैसे ही वापस आ जाएंगे। अब हम देखते हैं एरर चेकिंग। एरर क्या होती है, जो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बता रहा है द एरर चेक इज कम्प्लीट फॉर द इंटायर सीट, इस सीट में एरर चेक हो चुकी है, कहीं एरर नहीं है। अब हम कोई इसमें गलती करते हैं जानबूझकर, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, परसेंटेज हमने निकाला, यहाँ पर हमने क्लिक किया और 600 की जगह पर हम कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन मान लो गलत हो चुका ए, तो यहाँ पर हमारा एरर कैलकुलेशन देखो दिखाने लगा। अब हमें देखना है कि एरर कहाँ है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा एरर आपके सामने बताएगा कि यहाँ पर I10 into ये आपका यहाँ एरर जो है ये हो चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से आप एरर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इसमें जो जो कैलकुलेशन जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको बताता रहेगा कि कहाँ गलती है, इसको आप यहाँ से फिर चेक करेंगे, जहाँ पर पहुँचेगा वहाँ पर हम इसको जो सही वैल्यू है वो डालेंगे, आपका फिर से सही हो जाएगा। तो एरर चेकिंग आपकी क्लियर हो चुकी है। इवलेट फार्मूला क्या है आपका छात्रों, सो फार्मूला, एरर चेकिंग, इवलेट फार्मूला आपके क्लियर हुए। वॉच विंडो, हम आगे बढ़ते हैं वॉच विंडो की तरफ। तो वॉच विंडो क्या होता है इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। तो उसके लिए हमने नई सीट आपकी बनाई है वॉच विंडो के लिए। अब यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन, जैसे मान लो हमने प्रोडक्ट कस्टमर और जनवरी सेल, फरवरी सेल और मार्च सेल हमने सेट किया है, यहाँ पे हमने टोटलिंग इसकी सीट का टोटल यहाँ पर हमने दिया है। अब आपको ध्यान देना ये है कि यदि हम सीट में कोई कैलकुलेशन करते हैं या कुछ भी चेंजिंग मान लो हम करते हैं तो हमारा कैलकुलेट नीचे चेंज हो रहा है, आपका यहाँ भी कैलकुलेशन हो रहा है। तो आपको बार बार यदि हम कोई भी करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको बार बार नीचे की तरफ देखना पड़ेगा कि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर मतलब बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक नई सीट ऐसी ही बना लीजिएगा और फार्मूला लगा के इसका यहाँ पर टोटल भी कर लीजिएगा। पहला काम आपका ये हो चुका है, यहाँ पर देखिएगा हमने फार्मूला लगा के ये टोटल आपका कर लिया है। अब हमको क्या करना है, वॉच विंडो में जाना है। कहाँ, वॉच विंडो में। जब वॉच विंडो में आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक सीट खुलेगी जिसमें आप एड वॉच पर क्लिक करना, और हमें यहाँ से जो भी आपको एडिट मतलब वॉच करना है, तो यहाँ से हमने 1, 2, 3 ये तीनों कॉलम का टोटल जो है हमको वॉच करना है, तो एड कर लिया। अब तीनों टोटल, तीनों सेल का टोटल आपका यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। अब इसमें आपका जैसे है 10,86,752 पहले वाले कॉलम में, अब हमें अगर जो चेंजिंग करना है मान लो इसमें 2,00,000 हमने बढ़ा दिया, जैसे 2,00,000 बढ़ाया तो कैलकुलेशन हमें नीचे नहीं जाना पड़ेगा देखने के लिए, हमारा कैलकुलेशन जो है ऊपर ही यहां पर शो होके आ जाएगा वॉच विंडो में। अब आगे देखिएगा इसमें भी हम चेंज कर रहे हैं, तो इसमें हमने भी 2,00,000 बढ़ा दिया, तो जैसे हमने इसमें बढ़ाया इसमें भी आपका कैलकुलेशन बढ़ गया। इसमें मान लो हमने 5,00,000 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपका बार बार बदल रहा है। तो छात्रों वॉच विंडो के बारे में आपको क्लियर हो चुका है कि वॉच विंडो का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन में। कैलकुलेशन ऑप्शन में छात्रों देखना है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डेटा टेबल और मैनुअल, ये आपके ऑप्शन क्या होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। छात्रों कोई भी सीट हो, इसमें हमने कैलकुलेशन देखिएगा कर रखा है टोटल का कैलकुलेशन, बाकी ये हमने मैनुअली लिख रखा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन में 3 ऑप्शन है जिसमें से हर समय ऑटोमेटिक लगा होगा। देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन है लेकिन हम यहाँ चेंज कर रहे हैं कोई चीज़, तो हमारा 457 यहाँ पर है, अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बदल चुका है। तो इसलिए बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा है, इसलिए कैलकुलेशन हमारा बदल रहा है। जैसे हमने यहाँ पर 30 किया तो यहाँ कैलकुलेशन बदल चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कोई चीज़ चेंज करें लेकिन कैलकुलेशन ना बदले, तो हम उसको मैनुअल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैनुअल। मैनुअल लगाने से क्या होगा, हम यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं बदलेगा, कहीं भी चेंज कर रहे हैं नहीं बदलेगा। अब इसको बदलना है कि कैसे बदलेगा देखना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा वैल्यू यहाँ बदल चुकी है। तो छात्रों आपको यह समझ में आ चुका होगा कि मैनुअल का मतलब है हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनुअल पर टिक लगा होगा, जब कैलकुलेट करेंगे कोई चीज़ तभी कैलकुलेट होगी। जैसे एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पर हम 10 लिख दिया और आपका कैलकुलेट यहाँ पर नहीं बदला, जब हम कैलकुलेट नाउ करेंगे तब यहाँ पर आपकी वैल्यू बदल चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि
मैनू ऑटोमेटिक यदि लगाएंगे तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चेंज कर लेगा, जो भी हमने चेंजिंग किया वो ऑटोमेटिक बदल रहा है। तो इस प्रकार से मैनुअल और ऑटोमेटिक के बारे में आपको कैलकुलेशन पता है। यदि मैनुअल लगा है आपका, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हो रही है, या आप तब ये आप ना समझना कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, कंप्यूटर गलत है। आप यहाँ से इसको सही करके ऑटोमेटिक लगा लेना, फिर आपका कंप्यूटर में एक्सेल में पूरा कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक होने लगेगी। अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक एक्सपर्ट डाटा टेबल, डाटा टेबल जो है ऑटोमेटिक क्या है। तो एक्सेप्ट मतलब डाटा टेबल में कोई भी करेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक ना हो, बाकी सब में ऑटोमेटिक चलता रहे। जैसे देखना यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक पे टिक लगाया, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे बीच वाले पे टिक लगाया, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमने चेंजिंग कोई किया तो यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब मैटर चेंज हुआ है। लेकिन हम डाटा टेबल जो है यहाँ पर अगर जो चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमें अगर जो थर्ड थ्री लिखा तो यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुई है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने अगर जो 30 लिखा तो यहाँ पर मतलब 30 की टेबल नहीं आई है। क्यों? क्योंकि डेटा टेबल केवल नहीं चेंज होगी, बाकी पे कैलकुलेशन चलेगा। और हम ऑटोमेटिक जैसे लगाते हैं, ध्यान देना, वैसे ही हमारी डेटा टेबल में ये 30 की टेबल आ चुकी है, ये 3 की टेबल आ चुकी है। तो डेटा टेबल ये बनाई कैसे गई है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं बना के। और डेटा टेबल बहुत बड़ा ऑप्शन है, डेटा टेबल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन फार्मूले जो हैं वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। और इससे पहले डेटा रिव व्यू पावर पॉइंट पावर पैवेट ये आपके ऑप्शन हम पहले क्लियर करा देंगे। तो हम डेटा में अब देखते हैं कि ये डेटा टेबल कैसे बनी है। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं छात्रों, और यहाँ पर लिखते हैं वन, फिर नीचे लिखते हैं वन, और यहाँ पर इक्वल टू वन इंटू वन और एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर आगे हम टू और थ्री, इसको 10 तक हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमें जिस जिस की टेबल चाहिए, मान लो हमें टेबल चाहिए 5 की, हमें चाहिए 8 की, हमको 9 की चाहिए, 18 की चाहिए, या हमें जो भी टेबल चाहिए वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमको ये टेबल पूरी चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा को, और इसको हम ऊपर थोड़ा लिखेंगे, नीचे हमने लिख दिया तो इसको ऊपर बढ़ा के लिख दो यहाँ। अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद हमको व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके डेटा टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आके सबसे पहला वन जो है आपका 3 के सामने इसको लेंगे, और सेकंड वाले सेल में हम इस वाले को कैलकुलेट करेंगे और ओके करेंगे, तो डेटा टेबल हमारे सामने आ चुकी है। तो ध्यान से देखिएगा छात्रों, जब हम फार्मूला में जाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा है, और हम इसकी देखिएगा टेबल यदि हम 90 की चाहिए तो 90 की टेबल आ जाएगी, मान लो 98 की चाहिए तो 98 की आ जाएगी, कहीं भी कोई भी टेबल हमको चाहिए तो वो टेबल हमारी यहाँ आ रही है। लेकिन जब हम यहाँ सेकंड वाले ऑटोमेटिक एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल पे क्लिक कर देंगे, तो यदि हम यहाँ पर अब कोई भी टेबल करेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ये पता हो चुका होगा कि डाटा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फायर डाटा टेबल क्या होता है। अब जैसे ऑटोमेटिक हम लगाएंगे वैसे टेबल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो छात्रों, आपको डाटा टेबल के बारे में, ऑटोमेटिक मैनुअल और डाटा ऑटोमेटिक डाटा टेबल के बारे में क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट के बारे में। तो देखिएगा, कैलकुलेट सीट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने कैलकुलेट सीट के बारे में बना रखा है। तो यहाँ पर छात्रों में करना क्या है कि ऐसी ही सीट एक जो है इसको हम कॉपी करेंगे, सबसे पहले कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया है, तो पहले से हम पेस्ट भी किए हैं और इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। क्लिक किया, हम ये देखते हैं कि कैलकुलेट जो डेटा हमारा यहाँ पर पूरा है वही डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमको यहाँ पे 60, यहाँ पर सबसे पहला हम फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पर हम लगा लेंगे मैनुअल, यहाँ पे मैनुअल लगा लेंगे। मैनुअल लगाने के बाद यहाँ पर हम कोई भी देखिएगा 484 है, यहाँ पर हम कोई करेक्शन अगर जो कर रहे हैं तो आपका मान लो हमने मैथ के सामने 90 लिखा, कोई करेक्शन यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पर भी हम 90 लिख देंगे मैथ के सामने तो कोई करेक्शन इसमें नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 484 है और सीट कैलकुलेट वाली सीट पे भी 484 है। यदि हम कैलकुलेट नाउ करेंगे
तो यहाँ पर भी देखें ये करेक्शन हो चुका है और यहाँ पर भी करेक्शन हो चुका है, दोनों जगह आपको करेक्शन मिल चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि कैलकुलेट जब सीट पे हम क्लिक करें और हम चाहते हैं कि केवल कैलकुलेट सीट ही हो, मतलब ये सेकंड वाली सीट पे कोई करेक्शन ना हो, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं 10, कोई कैलकुलेट यहाँ नहीं हुआ है, और यहाँ पर लिखते हैं 10, कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो कैलकुलेट सीट पे आके हम यदि हम कैलकुलेट नाउ करते हैं तो यहाँ पर भी बदल जाएगा और इस वाली सीट पर भी बदल जाएगी वैल्यू, लेकिन हम चाहते हैं कि केवल इसी सीट पे बदले और इस सीट पे वैल्यू ना बदले, तो क्या करेंगे, कैलकुलेट सीट, कैलकुलेट सीट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो वैल्यू बदल चुकी है लेकिन सीट 5 जो हमने बनाई है उसमें नहीं बदली है। तो ये अंतर आपका है कैलकुलेट सीट के बारे में। हमने आपको छात्रों कैलकुलेट सीट के बारे में बताया, कैलकुलेट नाउ के बारे में बताया, कैलकुलेशन ऑप्शन, वॉच विंडो, फार्मूला, डिफाइन, डिफाइन मैनेजर, नेम मैनेजर, आपको सारे ऑप्शन हमने क्लियर करा दिए हैं। छात्रों आगे के जो आपके फंक्शन फार्मूले बचे हैं इनको हम लास्ट वीडियो में बता देंगे, उससे पहले हम डेटा, रिव, व्यू और पावर पाइवट ये ऑप्शन हम आपके क्लियर कराएंगे, क्योंकि फंक्शन फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम आराम से प्रोजेक्ट के साथ बताएंगे। आज के वीडियो में आपको यहीं तक बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।